मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर व जिलाधिकारी महाराजगंज डॉक्टर उज्जवल कुमार ने फरिंदा तहसील सभागार में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोना हेतु किए जा रहे कार्यों, संचारी रोग JEES और स्वच्छता की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में कोरोना मरीज महिला को वेंटिलेटर की आवश्यकता के उपरांत मेडिकल कॉलेज में किसी प्रकार का रिस्पांस व एडमिट ना लेने के पश्चात मेडिकल कॉलेज बस्ती में रेफर करने पर AD गोरखपुर व CMO के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना को सामान्य रोग ना समझें, इसे गंभीरता से लें और पूरी तन्मयता के साथ कार्य करें, अन्यथा लापरवाही क्षम्य नहीं होगा, शासन स्तर पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही AD हेल्थ को निर्देश किया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिससे कोई हिलाहलवाली न बरते, अन्यथा स्वयं कार्रवाई के लिए तैयार रहे। मंडलायुक्त ने कहा कि कोरोना में रोस्टर अनुसार डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाए एवं मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह दें व स्वयं भी बरतें। मानव संसाधन की सामग्री को समुचित उपयोग में लें, लैब टेक्नीशियनों को से कार्य किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग हो और जांच हो। कोरोना में लंबी लड़ाई लेनी है, लापरवाही होगी तो समस्या पैदा होगा। मंडलायुक्त द्वारा संचारी रोग JEES समीक्षा में फरिंदा ब्लॉक के भारी भैंसी का 8 वर्षीय बालक की JEES में मृत्यु में CMSA के राय की लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से वेतन बाधित किया गया। बच्चे को प्राइवेट में आवास पर डॉक्टर राकेश रमन व विशाल चौधरी द्वारा इलाज किए जाने व हॉस्पिटल में भर्ती ना किए जाने के फलस्वरूप बच्चा भटकता रहा और मृत्यु हो गई। डॉक्टर राकेश रमन व विशाल चौधरी के कार्यों का मजिस्ट्रेटी जांच हेतु जिलाधिकारियों को निर्देशित किया। इस प्रकार 7 माह में विफर के बच्चे, परतावल व धानी में मात्र 7-7 बच्चे तथा निचलौल में 11 बच्चे भर्ती किए गए एवं सदर हॉस्पिटल में 4 सर्जन डॉक्टरों द्वारा 4 माह में मात्र 9 सामान्य सर्जरी किया गया है, जो लापरवाही का द्योतक है। स्वच्छता अभियान में सभी EO से कहा गया कि अपनी आत्मसम्मान के लिए भी कार्य किया जाए। नगर क्षेत्र की सरकारी भूमि व प्राइवेट भूमि पर कचरा का निस्तारण ना किया जाए, कचरा निस्तारण का सॉलिवेस्ट का निर्माण कर कचरे का निस्तारण किया जाए। अच्छा कार्य करेंगे तो नगर क्षेत्र में आपका ही नाम होगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज पवन अग्रवाल, AD गोरखपुर, WHO, CMO, जिला स्तरीय अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सरकारी विभागों और प्रशासन के साथ साथ समाज के सारे वर्गों का योगदान है और गोरखपुर मंडल में केसेस में वृद्धि हुई और अवश्य भावी है कि जब हमने टेस्टिंग की संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है तो आपकी जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो बढ़ेगी। लगभग मुझे लगता है इस समय हमने 80,000 के आसपास टेस्ट कर लिए हैं पूरे मंडल में। महाराजगंज जनपद की भी बात करें, करीब इन्होंने 16,000 प्लस टेस्ट कर लिए हैं और ये क्षमता जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बहुत ज़्यादा बढ़ाने जा रहा है और उसके लिए इन लोगों को कहा गया है कि एंटीजन किट का प्रयोग करते हुए जिससे सैनिटाइज कर लें, जगह जगह पर उसकी व्यवस्था कर दें जिससे कि लोगों को आना ना पड़े जिला चिकित्सा। तो कोविड संक्रमण एक चीज़ है और उसके लिए आपके माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूँगा, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है इस लड़ाई में। 4 महीने में आप लोगों ने जो मास्क और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नारा था उसको बहुत प्रभावी और सबल रूप में आप जनता के सामने रखा और इसको अपनी की आवश्यकता है। आप लोग जो भी संदेश दे रहे हैं उसमें ये मास्क का ठीक तरीके से प्रयोग और 2 गज की दूरी जो मेंटेन करना है उस पर बार बार आप भी बल देते रहें। जन सहभागिता और जन सहयोग के बिना ये लड़ाई लड़ना और जीतना संभव नहीं होगा। बाकी यहाँ पर हम लोग हेल्थ फैसिलिटी और विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने अश्योर किया है कि 4 वेंटिलेटर जो जिला चिकित्सालय में उसको भी इस हेतु प्रयुक्त करते हुए इस सप्ताह ही उसको फैसिलिटी में लगाया जाए। एक पेड फैसिलिटी आपकी KMC शुरू कर दी गई है 14 बेड की, तो वो भी एक है। बाकी हम मंडल मुख्यालय का भी प्रयास कर रहे हैं कि फैसिलिटी L2 की और बढ़ाई जाए। L2 वो फैसिलिटी है जिसमें बेड पर ऑक्सीजन रहेगी और कुछ वेंटिलेटर भी रहेंगे जिससे कि जो क्रिटिकल केसेज हैं उनको भी हैंडल किया जा सकता है।